हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म पठान के फर्स्ट सॉन्ग बेशरम रंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था वही हुआ। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का पहला गाना बेशरम रंग ट्रोल हो रहा है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे दीपिका पादुकोण को सेंसुअस डांस स्टेप्स और जैन मकीबा गाने की धुन चुराना। वहीं हम आपको बताते चले तो सोशल मीडिया पर दीपिका के डांस स्टेप्स पर फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सॉन्ग बेशरम रंग ट्रेंड हो रहा है। बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण का बोल्ड और ग्लैमरस अवतार दिखा। दीपिका पादुकोण का पावरफुल डांस फैंस को घायल कर रहा है। बेशरम रंग की कोरियोग्राफी को खूब नोटिस किया जा रहा है। ऐसे में मीम मेकर्स भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के हुक स्टेप पर मीम्स बना डाले। दीपिका का एक डांस स्टेप है जिसमें वे जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही हैं। गाना रिलीज होने पर इस हुक स्टेप को लोगों ने नोटिस भी किया। अब इस पर बने मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। हम आपको बताते चले तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दीपिका पादुकोण के इस डांस स्टेप को बड़े फनी तरीके से ट्रोल किया है। एक यूजर ने लिखा है, बेड के नीचे अपनी चप्पल ढूंढते हुए दीपिका पादुकोण। दूसरे ने लिखा, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी फेवरेट दीपिका पादुकोण क्या सोच रही थी। बैकग्राउंड डांसर ज़्यादा फनी एक्ट कर रहे हैं, जैसे सब में माता आ गई हैं। यूजर्स का कहना है क्योंकि मेकर्स अच्छा कोरियोग्राफर नहीं ढूंढ सके, लोग डांसिंग स्टेप्स देखकर कंफ्यूज हैं। यूजर्स ने पूछा, गाने में दीपिका और बैकग्राउंड डांसर्स क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग दीपिका के डांसिंग एक्ट को नहीं बल्कि पूरे गाने पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। यूजर्स ने पठान के सॉन्ग बेशरम रंग को कॉपी बताया है, वो भी जैन के मकीबा गाने से। यूजर्स को दोनों गाने की बीट्स एक जैसी लगी है। लोगों ने मेकर्स पर मकीबा गाने को चुराने का आरोप लगाया है। बेशरम रंग और मकीबा दोनों गाने के क्लिप्स को सबूत के तौर पर शेयर भी किया जा रहा है। हम आपको बताते चले तो अगर आप इन दोनों गाने के बीट सुनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं समानताएं देखने को मिलेगी। शख्स ने कहा, जैसे ही मैंने बेशरम रंग सुना मुझे एहसास हुआ ये धुन मैंने पहले भी कहीं सुनी है। जैन के मकीबा गाने से ये कॉपी है। विशाल शेखर ने अच्छा काम किया है, ओरिजिनल क्रिएटर को मेंशन नहीं किया। दूसरे ने लिखा, इस्माइल अब्बास कव्वाल की लाइनें हमें तो लूट ली को भूल जाइए। पठान गाना फ्रेंच सिंगर जैन के गाने मकीबा से चुराया गया है। पठान के मेकर्स पर लोग जमकर बरस रहे हैं। कईयों को बेशरम रंग गाना ऋतिक की फिल्म वॉर के घुंघरू गाने की वाइब्स दे रहा है। अगर बात करें मकीबा सॉन्ग की तो इसे फ्रेंच सिंगर सॉन्ग राइटर जैन ने गाया है। ये सॉन्ग 2015 में रिलीज हुआ था। सॉन्ग उनकी डेब्यू एल्बम जनाका से है। ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था। हम आपको बताते चले तो गाने को कोरियोग्राफी और मकीबा गाने से बीट से चुराए जाने पर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। बेशरम रंग को वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है। पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस मूवी से किंग खान पर्दे पर 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं। किंग खान फैंस को मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। वहीं हम आपको बता दें, जहां एक तरफ दीपिका पादुकोण के इस स्टेप्स को पसंद किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूजर्स इसे ट्रोल भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दीपिका पादुकोण के इस डांस स्टेप्स के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।